एक बड़ी ही दिलचस्प सी ट्रेंड अभी तक सामने आई है। हमने मिजोरम में आपको बताया, मिजो नेशनल फ्रंट फिर से सरकार में वापसी के आसार दिखाई दे रहे हैं, बीआरएस आगे है तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार हैं। तो चुनाव जब भी होता है हम बात करते हैं एंटी इनकम्बेंसी की, लेकिन यहां प्रो इनकम्बेंसी होती दिख रही है क्या? और अब बारी राजस्थान की। राजस्थान की पहचान ऊंट भी है और राजनीति के ऊंट की भी हम चर्चा करते हैं, और पिछले 30 साल के अतीत पर, इतिहास पर राजस्थान के नजर डालें तो यह राजनीति का ऊंट है, हर 5 साल में करवट बदलता रहता है, यानी कि सत्ता परिवर्तन हो जाता है। लेकिन क्या इस बार भी राज बदलेगा, यानी कि ऊंट करवट बदलेगा या रिवाज बदलेगा? इसी की था हमने लेने की कोशिश की है। अब छत्तीसगढ़ और मिजोरम और तेलंगाना के बाद बारी आ गई है राजस्थान की, और राजस्थान को हमने 5 इलाकों में बांटा है, ढूंढाड़, हाड़ोती, मेवाड़, मारवाड़ और शेखावटी, और इलाके दर इलाके की तस्वीर अब आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। मेरे साथ मेरी सहयोगी रोमाना भी जुड़ी हुई है, और रोमाना शुरुआत कीजिए, कौन कौन से इलाकों के रुझान, ट्रेंड्स, ओपिनियन आप पेश करने वाली हैं? राजस्थान विधानसभा 200 सीटें, और ऐसे में जैसा कि आपको संदीप अभी बता रहे थे ना कि हमने राजस्थान को आपकी आसानी के लिए, ओपिनियन पोल के आंकड़े आप तक पहुंचाने के लिए 5 अलग अलग रीजन्स में बांटा है, तो बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं उस पहले आंकड़े से जो हाड़ौती रीजन से आपके लिए मैं लेकर आने वाली हूँ। हाड़ौती रीजन मतलब राजस्थान का ये सबसे छोटा रीजन है। हाड़ौती रीजन, इस रीजन की खासियत आप जानते हैं क्या है? राजस्थान जिसकी पहचान जाट और गुजर के तौर पर, राजपूत के तौर पर है, हाड़ौती रीजन में मामला ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण, बनिया, जैन, पंजाबी, इस इलाके में इन तमाम वोटर्स का भी दबदबा है। इसी इलाके में कोटा भी आता है, जहां से ओम बिरला जो इस वक्त लोकसभा में स्पीकर हैं, और साथ ही साथ ये जो हड़ौती वाला रीजन है, ये रीजन वसुंधरा राजे का रीजन है, और आपके सामने ये बड़ा आंकड़ा आ गया है कांग्रेस के खाते में, 17 सीटों में से 1 से 5 सीट, बीजेपी 12 से 16, अन्य का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। कुल मिलाकर ये हड़ौती रीजन, इसकी एक और खासियत मैं आपको बता दूं कि ये रीजन बीजेपी के दबदबे वाला रीजन रहा है। पिछली बार मतलब 2018 में भी जब राजस्थान में सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, तब भी इस हड़ौती रीजन में बढ़त बीजेपी की थी, और इस बार बीजेपी को इस इलाके में बड़ा फायदा होता हुआ 12 से 16 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई 17 सीटों में से, मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा क्लीन स्वीप भी इस हड़ौती रीजन में बीजेपी कर सकती है, ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये बता रहा है। मैं अगले रीजन की तरफ आपको लेकर चलती हूँ, और हड़ौती के बाद जो दूसरा बड़ा रीजन आता है इस इलाके में, मतलब सबसे छोटा हड़ौती है और दूसरा फिर शेखावटी आता है, 21 सीटें इस शेखावटी रीजन में है। यहाँ पर जाट, गुर्जर, राजपूत और मुसलमान वोटर वो भी प्रभाव रखते हैं। अच्छा, ये जो शेखावटी वाला इलाका है ना, ये स्विंग होता रहता है, मतलब हर चुनाव में बदल जाता है, कभी कांग्रेस के साथ कभी बीजेपी के साथ। इस बार क्या होने वाला है आपके सामने, वोट प्रतिशत आ गया है, कांग्रेस 46%, बीजेपी 41%, अन्य के खाते में 13%, तो वोट शेयर के मामले में तो यहाँ शेखावटी रीजन में फिलहाल कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर सीटों की बात की जाए तो आंकड़ा क्या कह रहा है, सीटों का आंकड़ा आपके सामने, 10 से 14 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, बीजेपी के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं, अन्य 0 से 2, मतलब पिछली बार इस रीजन में 21 सीटों में से 15 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, और इस बार भी ये जो रीजन है उसमें किसी तरीके का कोई बड़ा स्विंग नजर नहीं आ रहा है, मतलब ये रीजन इस बार भी कांग्रेस के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं स्टूडियो संदीप के पास, और जैसा रोमाना बता रही थी आपको 200 सीटें हैं, 38 सीटों का आकलन हमने आपको दिया है। ये ओपिनियन पोल है, ये फाइनल पोल नहीं है, अभी तो एग्जिट पोल भी आएंगे, उस पर भी हम आगे बात करेंगे, पर 19% इलाके में टक्कर दिख रही है। एक तरफ तो बीजेपी सरपट दौड़ती दिखाई दे रही है हाड़ौती में, शेखावटी में कांग्रेस थोड़ा आगे। चर्चा में मेरे साथ अभय दुबे, किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार दिबांग, विजय त्रिवेदी, इनसे बेहतर दो विजय हैं, बल्कि ये विजय फैक्टर की जो हम बात कर रहे हैं, विजय त्रिवेदी और विजय विद्रोही, और विद्रोह के बिगुल भी बजे हैं,
राजस्थान में वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे, विजय विद्रोही से भी पूछेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ यशवंत देशमुख भी जुड़ गए हैं और इनके लिए ये मौसम सबसे मुश्किल मौसम होता है, हॉट सीट पर बैठना पड़ता है। गालियां ज्यादा मिलती हैं, तालियां बहुत कम मिलती हैं। सही मिल जाए तो कोई कुछ नहीं कहता और गलत हो जाए तो लानत मलानत भेजी जाती है। और जिन पांच मेहमानों का मैंने परिचय किया है, दरअसल ये 175 साल, पौने 200 साल का तजुर्बा आपके सामने है और इन सब में मैं सबसे कम तजुर्बेकार हूँ, ये भी समझ लीजिए, इन सबसे ज़्यादा जवान हूँ मैं। 25 मेरे भी जोड़ लेंगे तो 200 साल का तजुर्बा आपके सामने है, ये जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। तो विजय, हाड़ोती में विजय और शेखावटी में कांग्रेस आगे, मैं विजय नहीं कहूँगा, कैसे देखते हैं? बहुत साफ है, हाड़ोती के लिए बस तकलीफ वाली बात यह हो सकती है कि हाड़ोती हमेशा भारतीय जनता पार्टी का रीजन रहा है और वहां की और राजस्थान की जो सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी, और हम यहां बता दें बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, ये इलाका, चार इलाके, बड़े इलाके, और वसुंधरा जी वहां से हैं, पिछले 30 साल से वो वसुंधरा जी हाड़ोती की राजनीति कर रहे हैं। झालावाड़ और झालरापाटन, वसुंधरा जी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि वो इस समय पार्टी से साइडलाइन है और वहां आप देख रहे हैं कि 12 से 16 सीटें वहां पर दिखाई दे रही है, 14 सीट मान लीजिए, 14 सीटें मान ले तो 17 में से 14 सीटें वहां पर है। ओम बिरला साहब भी बड़ा उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार जो है दिल्ली की बजाय जयपुर में बैठे, लेकिन वो शायद अभी तक मौका पार्टी ने नहीं दिया। कोटा भी बहुत महत्वपूर्ण है, कोटा के लिए मैं कहता हूँ कि इस बार के चुनाव में कोटा की जो राजनीतिक किस्मत है ना वो थोड़ी ठीक नहीं चल रही। कचौड़ी कौन खाएगा इस बार? कोटा की कचौड़ी, क्योंकि दोनों बड़े नेता कोटा में हैं, भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला साहब और कांग्रेस के शांति धारीवाल साहब। शांति धारीवाल साहब को तो अभी तक टिकट नहीं दिया क्योंकि उन्होंने आला कमान को चैलेंज कर दिया था। ओम बिरला साहब अभी लोकसभा अध्यक्ष है, उनको उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हों। तो कोटा के दोनों ही लोगों को, या यूं कहें कि हाड़ोती की किस्मत जो है ना राजस्थान की राजनीति के साथ अभी बहुत अच्छी नहीं चल रही। और फिर अंदरूनी कलह की बात भी, यहाँ जो ये आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो कुछ उसकी पेशकश करते नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।